कैंटीन भंडार विभाग और यूनिट रन कैंटीन के डिजिटल बदलाव के एक भाग के तहत फॉर्म डिमांड के अंतर्गत वस्तुएं जैसे कि कार्स, मोटरसाइकिल्स, टेलीविजन्स आदि खरीदने हेतु माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के शुभ हाथों द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2021 को ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित किया गया था। डिजिटल रूप में बदली हुई इस खरीदारी में पिछले एक वर्ष के माहौल से और लाभार्थियों से सकारात्मक अनुभव की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जैसे कि आज इस पोर्टल की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, आइए सुनते हैं इन लाभार्थियों के अनुभव। सारा हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अगर मैंने कार लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, स्कूटर लेना है, तो आप सीधा सीधा एएफटी के थ्रू जो है फॉर्म भरिए और सीएसटी से रजिस्ट्रेशन करवा करो के अपना जो है अभी व्हीकल जो मोटरसाइकिल ले रहे हैं वो बड़े आसानी से लेते हैं। और मैं सीएसटी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस सिस्टम को बड़े सुचारू रूप से चलाया है। थैंक्स। ये जो ऑनलाइन सिस्टम अभी हुआ है सबसे बढ़िया है, इसमें टाइम की बचत है, घर बैठे बैठे कार्रवाई पूरी हो जाती है। जो सिस्टम अभी बना है बहुत ही बढ़िया। अपने वाहन अप्लाई किया था जो कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मेरा काम हो गया था, और गवर्नमेंट ने जो नेट सिस्टम में चलाई है ये बहुत ही तीनों सेनाओं के लिए कारगर सिद्ध हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे चलती रहे संस्था। द एएफडी सीएसटी पोर्टल, इट हैज बीन वेरी गुड। विद द एडवेंट ऑफ द पोर्टल, विद द लॉन्च ऑफ पोर्टल, रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूइंग अप फॉर परचेजिंग अ व्हीकल और एन एएफडी आइटम हैज बीन डन अवे विद। इट हैज रियली बीन वेरी स्मूथ एंड आई थिंक दिस इज फंक्शनिंग वेरी वेल। पोर्टल के माध्यम से परचेज करने से मुझे समय की बचत हुई और मुझे ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं करना पड़ा, जो कोरोना के पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले एक वर्ष में रक्षा मंत्रालय अंतर्गत विविध प्रकार के उपभोक्ता सीएसडी के रजिस्टर्ड लाभार्थी बन चुके हैं। 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 4,20,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन सीएसडी बेनिफिशियरीज ने तकरीबन 6,185 करोड़ की खरीदारी की है। एएफडी पोर्टल यह एक शुरुआत है। कैंटीन भंडार विभाग के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए विभाग बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद।